हमने 4.1 एक्सरसाइज की, जिसमें किया होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल। नेक्स्ट हम करेंगे नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन के कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए ये कुछ फॉर्मूलाज हैं, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे। इसमें क्या है कि अगर फैक्टर, पहले तो आपको ये देखना है कि वो फैक्टर्स में रिजोल्व हो जाए, जो भी एफ डी डी डैश है उसको हम दो फैक्टर्स बना लेंगे। उस फैक्टर में जो डी का कोफिशेंट होगा उसको ए लिखेंगे, जो डी डैश का कोफिशेंट होगा उसके नेगेटिव को बी लिखेंगे। मतलब माइनस बी है डी डैश का कोफिशेंट, तो डी डैश के साथ जो भी कोफिशेंट होगा उसका माइनस लेंगे तो वो बी बन जाएगा, और जो कॉन्स्टेंट का नेगेटिव है वो सी होगा। अब आपको सॉल्यूशन के लिए क्या करना है, ई रेस टू पावर सी बाई ए एक्स फाई बी एक्स प्लस ए वाई, ए बी सी की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, प्रोवाइडेड ए नॉन ज़ीरो। अगर ए ज़ीरो हो गया तो फिर हमें ये वैल्यू नहीं लेनी, उसकी जगह हम सी बाय बी लेंगे, माइनस लगाएंगे और सी बाय बी आ जाएगा, ये एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, ये कुछ रिपीटेड फैक्टर्स के थे, ये हो गया, ये हो गया, ये सारा पढ़ लेना एक बार। देखो जब आपको b लेना है तो माइनस लगाना है, क्योंकि यहाँ माइनस b है। ठीक है, अब इसको हम अप्लाई करेंगे एग्जाम्पल्स पे। पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए वही फॉर्मूलाज है मोस्टली। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है कि इसमें आपके पास फैक्टर्स गिवन है, फैक्टर्स गिवन है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको एक एक फैक्टर उठाना है और उसका एक एक सॉल्यूशन निकालना है। सबसे पहले हम ये फैक्टर देखते हैं d माइनस डी डैश माइनस वन। इसमें a क्या है, वन, b क्या है, वन, क्योंकि माइनस बी होता है और यहाँ माइनस ऑलरेडी दिया हुआ है तो बी वन हो गया, सी भी वन हो गया, ए बी सी तीनों वन हो गए। अब ए नॉन ज़ीरो है तो ई रेस टू पावर सी बाई ए, यानी कि वन बाई वन एक्स फाई वन ए बी एक्स प्लस ए वाई, बी बी भी वन है, ए भी वन है, एक्स और वाई के साथ वन वन आ जाएगा। सेकेंड में क्या है, सी बाई ए, सी टू है, ए वन है, तो टू बाई वन एक्स फाई टू बी एक्स प्लस ए वाई, ए बी और बी दोनों वन वन है। ये तो हो गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ये चीज़ समझ आ गई, इसको ध्यान से करना है। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हम इसको वन बाय ये लिखेंगे और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि साइन कोस में हम डी स्क्वायर डी डैश स्क्वायर ये वैल्यूज पुट करते हैं, तो जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ये इस टाइप से बन जाएगा। तो जहाँ डी स्क्वायर है उसको माइनस फोर लिख देंगे टू का स्क्वायर, और जहाँ डी डैश स्क्वायर है उसको माइनस थ्री का स्क्वायर, और डी इंटू डी डैश को माइनस टू इंटू थ्री, ये तो लिख दिया। बाकी बचिया डी और डी डैश वाली टर्म। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर खाली डी स्केयर डी डैश स्केयर होती फिर तो हो जाता, बट डी और डी डैश वाली या सिंपल डी वाली होती तो भी हो जाता, या खाली डी डैश वाली होती तो भी हम रैशनलाइज कर लेते हैं जैसे पहले करते थे ओ डी में। अब दोनों आ गई टर्म्स, इसमें आपको क्या करना है, पहले ऊपर डी और नीचे डी से मल्टीप्लाई कर देंगे, या डी डैश से भी कर सकते हो, डी से भी कर सकते हो। अगर हम डी से ऊपर डी से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर ये डी स्क्वायर की जगह हम माइनस फोर पुट कर देंगे, डी इंटू डी डैश की जगह माइनस टू इंटू थ्री पुट कर देंगे, बाकी रह गई ऊपर डी और नीचे डी, नीचे डी प्लस डी माइनस सिक्स रह गया, ऊपर खाली डी रह गया। ऊपर वाला डी तो हम डेरिवेटिव में अप्लाई कर सकते हैं, इसको हम हटाने के लिए इसको रैशनलाइज कर देंगे। ये कब हटेगा, जब हमारे पास डी स्क्वायर होगा। डी स्क्वायर कैसे आएगा, अगर हम डी प्लस सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो d प्लस सिक्स से ऊपर और d प्लस सिक्स से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, नीचे बन जाएगा डी स्क्वायर माइनस 36, ऊपर आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस 60। अब इस डी स्क्वायर की जगह हम माइनस फोर पुट करके इसको रिमूव कर सकते हैं, आपके पास क्या बचेगा, डी स्क्वायर प्लस 60 इंटू साइन 2x प्लस 3y, ये तो कांस्टेंट हो गया। अब इस डी स्क्वायर को साइन पे लगाना है और 6d को साइन पे, डी स्क्वायर का मतलब डबल डेरिवेटिव, d का मतलब सिंगल डेरिवेटिव, बस ये साइन का डेरिवेटिव कोस में चेंज हो जाएगा और ये डबल डेरिवेटिव में वापस साइन में आ जाएगा और ये साइन का कोस बन जाएगा। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखो, हाँ इसमें क्या करना है, आपको फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे, ये थोड़ा सा ध्यान से देखो फैक्टर्स कैसे बनाने हैं, इसको अच्छे से समझ लो, कॉपी पेन निकालो और इसको हम फैक्टर्स बनाने के लिए आप इसके मान लो दो फैक्टर्स बना लेते हैं, कॉपी और पेन निकालो और लिखो इसको ए डी ए वन डी बी वन डी डैश
प्लस सी वन। इसके साथ हम मान लो हमें नहीं पता डी डी डैश कॉन्स्टेंट क्या आएंगे, इसमें भी हमें नहीं पता, तो दो फैक्टर्स में आपको क्या करना है, एक में लिखना है ए वन डी प्लस बी वन डी डैश प्लस सी वन, दूसरे में लिखना है ए टू डी प्लस बी टू डी डैश प्लस सी टू। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, आपने ये खुद ट्राई करना है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो डी स्केयर का कोफिशियंट देखो क्या आ रहा है, क्या आ रहा है डी स्केयर का कोफिशियंट, ए वन इंटू ए टू, और यहाँ क्या है डी स्केयर का कोफिशियंट, वन। तो इट मीन्स दोनों के साथ हम वन लगा देंगे, क्योंकि वन इंटू वन ही वन बनेगा या माइनस वन इंटू माइनस वन बनेगा, तो दोनों के साथ माइनस लगाने की बजाय दोनों के साथ हम प्लस लगा देंगे, यानी कि ए वन वन आ गया, ए टू वन आ गया, ए वन और ए टू की दोनों की वैल्यू आ गई, क्योंकि इनका प्रोडक्ट वन है इसलिए दोनों के साथ हम वन वन लगा देंगे। उसके बाद डी डैश स्केयर का कोफिशियंट देखो, बी वन और बी टू, बी वन इंटू बी टू इधर क्या है माइनस वन, तो बी वन इंटू बी टू माइनस वन है, इसका मतलब एक वन होगा दूसरा माइनस वन होगा, आप किसी भी एक के साथ वन लगा दो एक के साथ माइनस वन। अगर हमने बी वन को माइनस वन ले लिया तो बी टू वन हो जाएगा, अगर इधर माइनस लगाया तो इधर वन हो जाएगा, एक के साथ हमने लगाना है किसी भी एक के साथ लगा सकते हैं। यहाँ तक हो गया, अब रह गए हमारे सी वन और सी टू। तो C1 C2 के लिए जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, C1 इंटू ए और इधर से C2 C1 इंटू ए टू और इधर से C2 इंटू ए वन, ए वन और ए टू तो दोनों वन वन है, तो यहाँ से C1 आएगा और यहाँ से C2, C1 और C2 का सम है वन, तो एक इक्वेशन बन गई C1 प्लस C2 इक्वल टू वन, ये लिख लेना, इसको साथ साथ लिखते जाओ, C1 प्लस C2 इक्वल टू वन। फिर डी डी डैश का कोफिशियंट देखो, उसमें हम क्या करेंगे, इसको इससे करेंगे, ये वन है यानी कि सी वन और इधर माइनस वन है, तो सी टू को माइनस वन से करेंगे, तो सी वन माइनस सी टू आ गया थ्री, दो इक्वेशन लिख लो, सी वन प्लस सी टू वन और सी वन माइनस सी टू थ्री। अब इनको एक बार ऐड कर दो एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपके पास सी वन सी टू की वैल्यू आ जाएगी, सी वन आ गया टू और सी टू आ गया माइनस वन। वैसे भी आप इसको चेक करो तो लास्ट में 2 इंटू माइनस वन माइनस टू और यहाँ माइनस टू आ रहा है, तो ये इस टाइप से आप ए वन बी वन सी वन लेके ए टू बी टू सी टू लेके ये सारी वैल्यूज निकाल सकते हो। एक बार फिर बता देती हूँ, दो फैक्टर्स लिखने हैं आपको, ए वन डी बी वन डी डैश सी वन, इधर ए टू डी बी टू डी डैश और सी टू, फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई करके कंपेयर करना है और ए वन बी वन सी वन की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनाना है, ये वही रहेगा, a नॉन ज़ीरो है तो c बाय a माइनस लगाना है साथ में, क्योंकि माइनस c होता है यहाँ प्लस है इसलिए इसका नेगेटिव लेके c बनाएंगे, माइनस टू बाय वन एक्स और इधर आ गया वन बाय वन एक्स, और यहाँ बी एक्स प्लस ए वाई, बी वन है a वन है, इधर b माइनस वन है इसलिए बी एक्स के साथ माइनस वन और a के साथ y के साथ a a वन है, तो ये तो बन गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। उसके बाद पर्टिकुलर इंटीग्रल की बारी आती है, तो एक है e का फंक्शन, दूसरा है x और y का। e में तो सिंपल आपको क्या करना है, जहाँ d है उसको 1 पुट कर दो, जहाँ d डैश है उसको माइनस वन पुट कर दो, क्योंकि x का कोएफिशिएंट 1 है y का माइनस वन, ये तो सिंपल हो जाएगा। इस केस में आपको क्या करना है, x और y की पावर्स वाले में, तो इसको हमें ऊपर लेके आना है, पहले तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया। अब इसमें जो हाईएस्ट जो कांस्टेंट है वो क्या है, टू, उसको वन बना लो, टू कॉमन ले लिया, वन माइनस बाकी सारी टर्म लिख दो सबके साइन चेंज करके, अब ये वन माइनस एक्स बन गया, वन माइनस एक्स को ऊपर लेके आएंगे, वन माइनस एक्स की पावर माइनस वन, और फिर वो बाइनोमियल खोल के इसको खोल लो। अब हमें ये देखना है एक्स की हाइएस्ट पावर टू है, तो डी स्केयर से ज़्यादा टर्म्स आएंगी, डी क्यूब आ जाएगा तो वो ज़ीरो हो जाएगा, और y की हाईएस्ट पावर है 1, तो डी डैश का स्केयर भी होगा तो भी y के साथ वो ज़ीरो बना देगा, तो हमें सिर्फ वो टर्म्स लेनी है जिसमें x d की पावर 2 से ज़्यादा ना हो, d डैश की 1 से ज़्यादा ना हो, तो वो हम लगा देंगे इसमें और उसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट देखो,
इसमें क्या है, इसमें सिंपल फैक्टर्स बनाने हैं क्योंकि इसमें कांस्टेंट नहीं है। इसको जस्ट मिडल टर्म स्प्लिट करो, जैसे डी डैश स्केयर के साथ 6 है, माइनस सिक्स के ऐसे दो फैक्टर्स बनाने हैं कि मल्टीप्लाई -6 हो जाए और एडिशन 1 हो जाए, तो -+3 और -2 बन जाएंगे। तो फिर उसको सॉल्व कर लो, जैसे हम सिंपल इसको हम लिख के 3d- -2dd- लिख के फिर ये फैक्टर्स बना लेंगे, बाकी सारा अब आगे सेम वही है। एक्स स्केयर, हाँ अब इसमें एक्स का फंक्शन आ गया और साथ में साइन का आ गया। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, जैसे हम ओडी में करते थे कि इसको ई की पावर का इमेजिनरी पार्ट ले लेते हैं। तो पहले इसको ई की पावर आयोटा एक्स प्लस वाई को सॉल्व करते हैं। ई की पावर वाले क्वेश्चन में डी को आयोटा और डी डैश को ये आयोटा ये पुट कर देंगे, और जब हम ई वाले को इधर लाते हैं तो ये डी की जगह डी प्लस आयोटा हो जाएगा, डी डैश की जगह डी डैश प्लस आयोटा, वो फॉर्मूला लगाएंगे ना डी प्लस ए डी डैश प्लस बी वाला। फिर इसको हमने एक्स स्क्वेयर पर लगाना है, फिर इसको ऊपर लेके आएंगे इसकी पावर -1 करके, इसकी पावर -1 करके, फिर इसको एक्स स्क्वेयर पर लगाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम इमेजिनरी पार्ट लेंगे उसका, क्योंकि साइन एक्स प्लस वाई जो है उसका इमेजिनरी, अगर कोस होता तो रियल पार्ट ले लेते, इसमें से जो रियल पार्ट आएगा वो कोस का होगा और जो इमेजिनरी आएगा वो साइन का होगा, तो बस इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा और दोनों को ऐड करके लिख देंगे। ये तो बहुत सिंपल है, इसके सिंपल दो फैक्टर्स बना लो, -2 प्रोडक्ट होना चाहिए और सम -1 होना चाहिए, उससे दो फैक्टर्स बन जाए। अच्छा ये तो डी कॉमन ही आ रहा है, तीनों में डी कॉमन आ रहा है, डी को बाहर ले लो, अंदर जो बचेगी टर्म वो लिख दो और ये सिंपल हो जाएगा, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ अब ऐसे कोई क्वेश्चन है जिसमें फैक्टर्स बनते ही नहीं है, कैन नॉट बी रिजॉल्व इनटू लीनियर फैक्टर्स, ऐसे केसेस में आपको क्या करना है? बहुत सिंपल है ये, उससे भी इजी है जब आपके फैक्टर्स नहीं बने, क्योंकि एक पावर 2 है, एक 1 है, कॉन्स्टेंट है, इसके तो फैक्टर्स बनेंगे नहीं, डी तो कॉमन नहीं आ रहा। तो इस केस में आपको z लेके चलना है a इंटू ई रेस टू पावर एच एक्स प्लस के वाई, ये याद रखना है, z को हम ये लेके चलेंगे, डी जेड हो जाएगा, h बाहर आ गया, डी डैश में k बाहर आ जाएगा और डी स्केयर में एच स्केयर आ जाएगा। तो जो जो हमें यहाँ चाहिए, डी स्केयर चाहिए, डी डैश चाहिए और खाली z चाहिए, तो हमने ये निकाल लिया। ये वैल्यूज़ वापस इसमें पुट कर दो, इसमें जो ये वैल्यूज़ निकाली है ना ये इसमें पुट कर दो, ये बन जाएगा हमारा ए। अब इसमें ए इंटू ई रेस टू पावर एच एक्स प्लस के वाई, इसको बाहर ले लो, अंदर बचिए एच स्क्वेयर प्लस के प्लस 4, ठीक है। यहाँ से एच और के का रिलेशन निकालो, चाहे तो एच को के की फॉर्म में पुट कर दो या के को एच की फॉर्म में, तो हमने के को -h² + 4 लिख लिया। अब एच और के में ये रिलेशन आ गया, तो जहाँ के है उसकी जगह हम एच लिख सकते हैं, h² + 4। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए सिंपल रहेगा, e है तो वही d की जगह 4, d डैश की जगह -1 पुट कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में ये समेशन में लिखेंगे, ये ध्यान रखना है, सिग्मा सिग्मा a e रेस टू पावर एच एक्स प्लस के वाई, वेयर k इज इक्वल टू h² + 4। बहुत सिंपल है ये इजी रहेगा, ऐसे ही इसमें कर लेंगे, ये मान के ये वैल्यूज पुट कर दी, फिर एच और के का रिलेशन निकाल लिया, के की जगह एच पुट कर दिया, समेशन लगा दिया, आगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल लिया। ये फैक्टर्स वाला है, इसको ध्यान से करना, फैक्टर्स कैसे बनाने हैं। अगर नहीं आएगा समझ तो ऑफलाइन क्लास में समझ लेना, कोई भी प्रॉब्लम आई तो ये कर लेना। और ये 4.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई आपकी, उसके बाद आ जाता है आपका 5th चैप्टर। तो 4th चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब ये कंप्लीट होने के बाद इसका नेक्स्ट वीक में टेस्ट होगा आपका, नेक्स्ट वेंसडे को टेस्ट होगा। थैंक यू।